हेलो भैया, मैं हूँ नवीन मालविया। और आजकल ना भाई, आप सभी को मालूम है कि मैं कार के वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आज हमारे सामने भाई स्विफ्ट की VXI वेरिएंट, जिसका आज फुल ओनरशिप फुल रिव्यू डिटेल रिव्यू करने वाले, सारा कुछ आपको मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा और जल्दी से वीडियो ख़त्म करूंगा, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देने की बातें करूंगा। तो आप में से कोई भी भाई, अगर आपकी कार बाइक का रिव्यू ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करवाना चाहता हो मेरे चैनल के माध्यम से, व्यूअर्स को बताना चाहता हो, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के माध्यम से। तो भाई सामने से बात करें तो क्रोम फिनिश आपको देखने को मिलेगी सुजुकी के लोगों के नीचे में, और आपको हेलोजन सेटअप जो है पूरा हेलोजन ही मिलेगा, हेडलाइट का सेटअप। नीचे आपको फॉग लाइट है, वो भी एसेसरीज का पार्ट है। VXI में कोई भी फॉग लैंप आपको देखने को नहीं मिलता है। जो ये साइड फिटिंग वगैरह लगी हुई है, ये भी पूरा आपको एसेसरीज का पार्ट मिल जाएगा शोरूम की तरफ से। और जो इसका साइड टर्न इंडिकेटर है, वो आपको ORVM पे ही देखने को मिलेंगे। फेंडर में कोई भी आपको वो इंडिकेटर देखने को नहीं मिलते, वो आपको LXI वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर यहाँ मिलने से काफ़ी अच्छा लुक आपका बन जाता है गाड़ी का, थोड़ी सी प्रीमियमनेस आ जाती है गाड़ी में। बाहर रहते थोड़ी सी अंदर से, तो आपको गेट पे क्रोम फिनिश डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका ग्रेब हैंडल है, वो भी आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। और स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ की बात करूँ तो चारों ही पावर विंडो और डोर लॉक अनलॉक की बटन मिल जाती है। और जो अपना मिरर है, उसको एडजस्ट करने के लिए बटन दी गई है, जिससे कि अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो सिस्टम है भाई, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है, वो VXI वेरिएंट ही माना जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि स्टूडियो अपन कंट्रोल्स कर सकते हैं। इसकी जो मीटर कंसोल है, इसमें आपको स्पीडोमीटर और एक RPM मीटर देखने को मिल जाता है। बीच में आपको एक डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा। और बाजू में आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, फॉग लाइट के आपको यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलेंगे। और इस साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल और उसके बाजू में आपको हेडलाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। एसी वेंट्स आपको गोल टाइप के में देखने को मिलेगा। जो इसका स्टूडियो आपको मैनुअली, मतलब जो सिस्टम करना पड़ेगा उसका, साउंड बढ़ाना हो तो मैनुअल करना पड़ेगा, टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं है। कुछ इस टाइप का लुक है भाई बाजू का। इसकी जो साइड बीडिंग है, वो सब एसेसरीज का पार्ट है। इसके टायर साइज की बात कर लूँ मैं, 165/80 सेक्शन के टायर विथ 14 इंचेस स्टील रिम के साथ में आती है। और जिसके कैप्स आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करूँ उसके, तो 268 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। पीछे मारुति सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और कुछ क्रोम पार्ट का बहुत कम यूज़ किया गया है, थोड़ा सा एसेसरीज गाड़ी में लगाई गई है। कुछ इस टाइप का लुक है भाई। स्पॉयलर भी लगाया गया है, जो कि एसेसरीज का पार्ट है। और जो इसके पीछे का डोर हैंडल है, वो आपको ऊपर साइड में मिलेगा ग्लास के बाजू में। और कुछ इस टाइप का लुक आ जाता है भाई, अच्छी दिखती है गाड़ी। जो वैल्यू फॉर मनी है, वो यही वेरियंट है। काफ़ी सारी गाड़ी इसको कम्पीट करती है, लेकिन जो आगे है, सबसे आगे वैल्यू फॉर मनी है, सबसे ज़्यादा बिकती है, वो स्विफ्टी से। और थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, तो भाई जो इसका इंजन स्पेसिफिकेशन है, वो 4 सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, 1197 cc का, जो कि पावर निकाल के देता है लगभग 88.50 BHP की पावर। 6000 RPM पर टॉर्क निकाल के देता है, 113 Nm टॉर्क 4400 RPM पर। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ में गाड़ी आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। सर्विस कॉस्ट जो है सालाना इसकी 4700 रुपये की है, मतलब 5000 करीबन रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट है सालाना। और फ्रंट डिस्क आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगा, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी सी डायमेंशन वाइज इसकी बात करते हैं, तो लेंथ आपको 3845 mm की देखने को मिल जाएगी। विड्थ आपको मिलेगी 1735 mm की। हाइट मिल जाएगी 1530 mm की। बूट स्पेस आपको 268 लीटर का मिल जाएगा। व्हील बेस आपको मिल जाएगा 2450 mm। कर्ब वेट मिल जाएगा लगभग 875 का। टायर आपको मिल जाएगा 165/80 सेक्शन का टायर, और 14 इंचेस के स्टील रिम के साथ में रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूँ VXI की ऑन रोड, तो 7,76,000 करीबन इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है आपको इंदौर में। कुछ इस टाइप का था भाई हमारा। ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।